हमारे साथ मौजूद है आशीष जायसवाल, जिनसे हम जानेंगे कि इन 9 दिनों में जो है किस प्रकार से जो है मुद्दे उठाए गए महाराष्ट्र के। सर, महाराष्ट्र के किस प्रकार से मुद्दे शीतकालीन सत्र के 9 दिन के कार्यकाल में उठाए गए, क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन जो है, अपोजिशन की जो धार थी वो इस अधिवेशन में दिखी नहीं। अपोजिशन ने नागपुर में अधिवेशन रहते हुए विदर्भ के मुद्दे के ऊपर चर्चा लेना था, वो ली नहीं। और आप देखोगे कि आज 293 का जो प्रपोजल है विदर्भ का, वो मैंने सबमिट किया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का ध्यान पूरा है विरोधी पार्टी के पास में। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे के ऊपर वो कुछ सरकार को घेर सके। इसलिए सरकार ने जो भी मुद्दे उन्होंने उपस्थित किए उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है, और मुझे लगता है कि विरोधी पार्टी में कोई धार नहीं है। मुख्यमंत्री जिस प्रकार से बोला है कि जो फरवरी में है विशेष अधिवेशन हम बुलाएंगे, इस पर विरोधकों ने भी वार किया है कि ये जो है ये समय निकालने पर का ही स्पीच था, मुख्यमंत्री का क्या कहना है? देखिए, जिन्होंने थोड़ा दूर रखिए, जिन्होंने आरक्षण का सत्यानाश किया वही लोग आज ऐसा बोल रहे हैं सरकार सीधे से सरकार बराबर काम करेगी। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने बात की विधायक आशीष जायसवाल से, जो है आरक्षण के मुद्दे पर एक घनानाद विरोधकों पर उन्होंने किया है, जहाँ की बोला है कि जिन्होंने आरक्षण का सत्यानाश किया है उन्होंने ही जो है आरक्षण का मुद्दा उठाया, ऐसा घनानाद उन्होंने इस वक्त किया। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेम, NBC न्यूज़ के लिए नागपुर।